अयोध्या की बीकापुर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने सिपाही गोलीकांड के तीनों आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। तीनों बदमाश बीकापुर इलाके में 25 अप्रैल को एक सिपाही को गोली मारने के आरोप में वांछित थे, जिनको पुलिस तलाश कर रही थी। साथ ही बदमाशों के ऊपर 25,000 रुपए के इनाम भी घोषित था। एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि थाना बीकापुर क्षेत्र में हुए सिपाही गोलीकांड के वांछित तीनों बदमाशों से पुलिस की रविवार देर रात भुलाईपुर निधियावा गांव के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हो गई। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को बदमाशों के पास से अवैध तमंचे और जिंदा कारतूस के अलावा दो मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं, जिनमें से एक चोरी की है। थाना बीकापुर क्षेत्र में बीती रात अपराधियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दो अपराधी जिनके नाम शुभम और प्रमोद हैं, उनको गोली लगी तथा एक अपराधी अभिषेक गिरफ्तार किया गया है। तीनों पर 25,000 रुपये का इनाम था। अवगत कराना चाहेंगे कि दिनांक 25 अप्रैल 2021 को थाना बीकापुर क्षेत्र में एक कांस्टेबल जितेंद्र को इन अपराधियों ने गोली मारी थी, जिसके उपरांत जो पुलिस कांस्टेबल है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज हुआ। और ये तब से ये तीनों अपराधी फरार चल रहे थे और इस घटना में वांछित थे। मुठभेड़ में इनसे अवैध असलहे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई प्रचलित है।